नमस्कार, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। 8 PM न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में सिविल सेवा परीक्षा के लिए आलोक सर के कुशल मार्गदर्शन में देश के प्रख्यात विशेषज्ञों की टीम के साथ IAS PCS फाउंडेशन बैच प्रारंभ। हमारे फाउंडेशन बैच में प्रवेश प्रक्रिया अभी जारी है। इस बैच के सभी वीडियो लेक्चर और PDF नोट्स आपके लिए एक वर्ष तक उपलब्ध रहेंगे। तो आज ही ज्वाइन करिए IAS PCS फाउंडेशन बैच और विद्यार्थी नहीं प्रशासक बनिए। इस बैच से जुड़ने के लिए हमें 9918000454 पर एंट्री IAS लिखकर व्हाट्सएप करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। तो चलिए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। लोकसभा ने दिया जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी। विधेयक में 5 भाषाओं को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान। गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी जैसी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी होगा विशेष प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार विकास पर IFSCA ने पेश किया अंतरिम रिपोर्ट। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में किया गया। तो चलिए अब बड़ी खबरों के साथ आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश की संसद में लोकसभा ने 22 सितंबर को जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इसमें 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोंगरी को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान किया गया। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के तौर पर घोषित किया जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर के लोग कश्मीरी, डोंगरी और हिंदी को बड़ी संख्या में बोलते हैं और समझते हैं। श्री रेड्डी ने बताया कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जो लोग कश्मीरी बोलते हैं उसमें से 53.26% लोग जम्मू कश्मीर में हैं। 22 सितंबर को लोकसभा ने ध्वनिमत से जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। गृह राज्य मंत्री श्री रेड्डी ने कहा कि बीते 70 सालों से उर्दू जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उर्दू भाषा बोलने वाले मात्र 0.16% ही हैं। श्री रेड्डी ने आगे कहा कि उर्दू और अंग्रेजी दोनों को आधिकारिक भाषा के तौर पर जारी रखा जाएगा। डोंगरी यहाँ दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इस विधेयक की खास बात यह है कि इसमें राज्यपाल को गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी भाषा के विकास और उसे सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा संशोधन विधेयक को पारित किए जाने का स्वागत करते हुए केंद्र शासित प्रदेश की जनता के लिए यादगार दिवस करार दिया। गृहमंत्री ने कहा कि इस विधेयक के जरिए गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी जैसी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए विशेष प्रयास किया जाना भी प्रस्तावित है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश की 26.64% आबादी डोंगरी बोलती है, जबकि वर्तमान में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त उर्दू केवल 0.16% आबादी ही बोलती है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की 2.36% आबादी हिंदी बोलती है, जबकि जम्मू कश्मीर में 1.78% लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर यानी IFSC में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार विकास पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट IFSCA अध्यक्ष को सौंप दी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यवसायों के तीव्र और कुशल विकास के उद्देश्य से कई सुझावों को शामिल किया गया। बैंकिंग खासकर क्षेत्र पर केंद्रित इस रिपोर्ट में बीमा, परिसंपत्ति प्रबंधन और पूंजी बाजार जैसे अन्य प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।
IFSCA ने IFSC में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार को विकसित करने, IFSC को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए आकर्षक बनाने के लिए और IFSC के विकास में महत्वपूर्ण अन्य मुद्दों का परीक्षण और अनुशंसा करने के उद्देश्य से विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने सुझाव दिया है कि IFSC को भारत में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और व्यापार के लिए स्वयं को एक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करे। भारतीय डायस्पोरा और एशिया तथा अफ्रीका के व्यक्तियों को IFSC से वित्तीय सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी प्रदान करे और इसके साथ ही उदारीकृत प्रेषण योजना को उपलब्ध कराते हुए घरेलू निवासियों की सेवा करे। गौरतलब है कि IFSC घरेलू अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्राधिकार से बाहर के ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आसान भाषा में कहें तो IFSC देश की सीमा के पार वित्त, वित्तीय उत्पाद और सेवाओं के प्रवाह संबंधी मामले देखता है। आपको बता दें कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड को देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। IFSC ने अपने फाइन सर्व फ्रॉम IFSC के दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को पूरा करने में सहायता करेगा। IFSC में अनेक क्षमताएं मौजूद हैं, अगर कुशलतापूर्वक काम किया जाए तो रोजगार सृजन में वृद्धि, भारत के लिए अतिरिक्त राजस्व का सृजन करना और देश में आधारभूत ढांचे के लिए विशेषतः प्रवासी भारतीयों से वित्त के लिए आकर्षित करना जैसे उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। समिति के अध्यक्ष प्रदीप शाह ने कहा कि IFSC को अपने वर्ग क्षेत्राधिकार में प्रतिष्ठा, विनियामक वातावरण, कराधान और परिचालन में आसानी जैसे कारकों के माध्यम से स्वयं को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। आपको बता दें कि भारत सरकार ने IFSC में वित्तीय सेवा बाजार के विश्वास और विनियमन के लिए इसी साल श्री आई श्रीनिवास की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का गठन किया था। और अब अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर एक नज़र। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर से लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल गाइडेड मिसाइल यानी AGTM का सफल परीक्षण किया। स्वदेशी रूप से निर्मित इस मिसाइल का परीक्षण मेन बैटल टैंक यानी MBT अर्जुन से किया गया। इस मिसाइल के परीक्षण के दौरान तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर दागा गया, जिसमें मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने टारगेट को प्राप्त कर लिया। हालांकि वर्तमान में इस मिसाइल का परीक्षण MBT अर्जुन से किया गया, लेकिन इस मिसाइल को इस प्रकार विकसित किया गया है कि यह दूसरे प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसको आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ARDE पुणे द्वारा डिजाइन किया गया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 22 सितंबर को नई दिल्ली में भारत अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 15वें CII एक्सिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को CII के अध्यक्ष श्री उदय कोटक और एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक डेविड रस्किन्हा ने भी संबोधित किया। यह आयोजन 2 दिनों के लिए किया गया है। इसे 27 मंत्री संबोधित करेंगे, जो अपने 15 साल के इतिहास में सबसे अधिक मंत्री प्रतिभागियों का स्वागत करेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत अफ्रीका संबंधों को रेखांकित करना है। भारतीय विदेश मंत्री ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि कैसे भारतीय निवेशकों ने अफ्रीकी देशों में ऊर्जा, खनन, बैंकिंग, कपड़ा और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। दुनिया भर में मशहूर अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन ने 2020 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की लिस्ट जारी कर दिया। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे शक्तिशाली नेताओं के साथ साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेता आयुष्मान खुराना, शाहीन बाग की दादी, गूगल के CEO सुंदर पिचई और प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता का नाम शामिल है। टाइम मैगजीन की ओर से सालाना जारी की जाने वाली इस लिस्ट में अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए दुनिया को प्रभावित करने वाले लोगों को शामिल किया जाता है।
पीएम मोदी इस लिस्ट में इकलौते भारतीय नेता हैं, तो वहीं आयुष्मान खुराना इकलौते भारतीय कलाकार हैं जिनको इस लिस्ट में जगह मिला है। इस लिस्ट में कमला हैरिस, एंजेला मार्केल और ताइवान की राष्ट्रपति साई इंगवेन का नाम भी शामिल किया गया है। प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा सितंबर के अंतिम सप्ताह को इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ यानी वैश्विक बधिरता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की थीम साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन है। आपको बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस को 23 सितंबर को मनाने का चयन साल 1951 में विश्व फेडरेशन ऑफ द डेफ की स्थापना की याद में किया गया था, जो बधिर लोगों के 135 राष्ट्रीय संघों का एक संघ है जो दुनिया भर के 70 मिलियन बधिर लोगों के मानवाधिकार के लिए काम करता है। 24 सितंबर को केरल में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क यानी मेडिकल डिवाइसेस पार्क का शिलान्यास किया जाएगा, जो ज्यादा खतरे वाले मेडिकल उपकरणों पर आधारित होगा। इस पार्क का उद्देश्य मेडिकल उपकरण उद्योग को शोध एवं विकास, परीक्षण और मूल्यांकन जैसी सेवाओं की और विस्तृत और पूरी श्रृंखला को उपलब्ध कराना है। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और केरल सरकार की औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन एजेंसी केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड यानी KSIDE की संयुक्त पहल से तैयार होगा। यह चिकित्सकीय उपकरण पार्क चिकित्सकीय प्रत्यारोपण एवं बाह्य उपकरणों समेत उच्च जोखिम वाले चिकित्सकीय उपकरणों पर केंद्रित होगा। प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का उद्देश्य हाइफा के युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करना है। आपको बता दें कि हाइफा का युद्ध 23 सितंबर 1918 को हुआ था, जिसमें जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के सैनिक 15 इंपीरियल सर्विस कैवल्टी ब्रिगेड का हिस्सा थे और इन सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लेकर जर्मनी और तुर्की के आधिपत्य वाले इजराइल के हाइफ शहर को मुक्त कराया था। इस युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के सम्मान में भारत सरकार ने दिल्ली स्थित तीन मूर्ति मेमोरियल का नाम बदलकर तीन मूर्ति हाइफा मेमोरियल कर दिया है। फिलहाल 8 PM के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सिविल सेवा परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज ही जुड़िए ISPCS फाउंडेशन बैच से। इस बैच से जुड़ने के लिए हमें 9918000454 पर एंट्री IAS लिखकर व्हाट्सएप करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।